बेटा नाम बताइए, कौन कौन आ गया? अच्छा, आवाज आ रही है हमारी? सामिया बेटा, ये सामिया अगर आप चाहें तो क्लास कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। ये आपकी इस टाइम हिंदी मीडियम की क्लास है, जैसा कि अभी हमने आपको शेड्यूल आया भी था, हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है? तो अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास है, आपको 4 बजे ज्वाइन करना चाहिए, 4 बजे इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी। गुड इवनिंग बेटा, वालेकुम असलाम। संजू गुड आफ्टरनून। बच्चों जल्दी से आइए, टाइम एकदम एक्यूरेट टाइम पे रहा करिए। शेयर कर दीजिए, ऊपर लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है। सिमरन गुड आफ्टरनून, अब दिख रहा है, बताइए जल्दी से, अब दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ? यस, दिख रहा है, आवाज भी क्लियर आ रही है, दिख भी रहा है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट तरीके का सेल हम लोगों का बचा हुआ था बेटा, निकिल कैडमियम सेल। क्या बचा था? निकिल कैडमियम सेल बचा था। तो ये लास्ट सेल है हमारा, निकिल कैडमियम सेल। इसके बाद हम लोगों को कोरोजन पढ़ना है, जिसको हिंदी में संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो कोरोजन हम लोगों को पढ़ना है इसके बाद में। बस आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे ये पूरा खत्म हो जाए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक वलगति की शुरू करें नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लेक्चर में कोशिश करते हैं कि ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आसानी से कवर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, निकिल कैडमियम सेल। क्या है निकिल कैडमियम सेल? इसमें जैसे सारे सेल हम लोग पढ़ रहे थे, उसी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। इसमें पहली हेडिंग हमारी रहेगी बनावट, कि इसकी बनावट किस तरीके की होती है। तो बेटा हम बताएं आपको, ये जो निकल कैडमियम सेल है, इसकी बनावट कुछ इस तरीके की होती है। इसमें कांच का बना हुआ एक गोलाकार भाग होता है। कैसा भाग होता है? गोलाकार भाग होता है, जिसमें जो कैडमियम है वो एनोड का काम करता है। कैडमियम किसका काम करता है? एनोड का काम करता है, और निकिल हाइड्रोक्साइड कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि कैडमियम का एनोड तथा निकिल हाइड्रोक्साइड का कैथोड लगा होता है। क्या लगा होता है? कैडमियम का एनोड हाइड्रोक्साइड का कैथोड लगा होता है, और इसके मध्य में, इसके बीच में क्षारीय माध्यम भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? क्षारीय माध्यम भरा होता है, ठीक है? तो देखिए, कांच का एक क्या लगा होता है? कांच का एक गोलाकार भाग होता है, जिसमें क्या होता है? कैडमियम का एनोड और निकिल हाइड्रोक्साइड का क्या चीज? कैथोड। निकिल हाइड्रोक्साइड का कैथोड लगा होता है, और इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, एक क्षारीय माध्यम भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? क्षारीय माध्यम भरा होता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, निकिल कैडमियम सेल करके डालिएगा, और उसकी इमेजेस में देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसकी इमेज जो होती है उसमें 3D में होती है, तो बना पाना थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं, और हम इसको बहुत ज्यादा टिपिकल करके आपको नहीं, बहुत आसान करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, ये हमारे पास में ये चीज हो गई। इसके बाद में इसमें हमने कहा आपसे कि गोलाकार क्या होता है? कांच का एक
खोल होता है, खोल ही समझ लीजिए इसको, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद में इसमें क्या होगा, तो होता क्या है इसमें, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। अब इस तरीके से होता है, इसमें जो है बेटा आपका एक माध्यम भरा होता है, जो कि ये क्षारीय माध्यम, ठीक। किसके बीच में होता है ये, एनोड और कैथोड के बीच में होता है। किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में एक क्षारीय माध्यम भरा होता है। तो इसमें ये जो है हमारा, ये है निगेटिव, एनोड है ये, क्या है, एनोड। और आपको लोन से बताया था कि एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। और ये एनोड अभी हमने बताया आपको किसका बना हो, सीडी मतलब कैडमियम का बना होता है। किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है, ठीक। दूसरी चीज, इसमें कैथोड कहाँ है, तो ये जो है हमारा, ये होगा कैथोड, क्या होगा, कैथोड, ये क्या होगा, कैथोड होगा। और ये होता है हमारा पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव। और किसका बना होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, निकिल हाइड्रोक्साइड का बना होता है, NiOH का होल फोर, NiOH का होल ट्वाइस, निकिल हाइड्रोक्साइड, और होल थ्राइस भी बोल सकते हैं, तो निकिल हाइड्रोक्साइड, NiOH का होल थ्राइस, इसका बना हुआ होता है, ठीक है, निकिल हाइड्रोक्साइड इसका बना होता है। दूसरी चीज, इसमें यहाँ पर जो है एक इस तरीके से, जिसको हमने पढ़ रहे थे उसमें सेल में, तो हमने इसको बोला था कि ये टोपी है, ठीक। ये लगा होता है ऊपर की तरफ, बीच में क्या भरा होता है बेटा, क्षारीय माध्यम भरा होता है, KOH, क्या भरा होता है, KOH भरा होता है, क्लियर। रवि चौहान बेटा आप पहली बार हैं, आपका आपने हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी आपका नाम रवि चौहान ही है या कहाँ से, अगर उत्कर्ष स्कूल से हैं तो बता दीजिए, उत्कर्ष से हैं, ठीक। चलिए बेटा, हमने आपको बताया क्या, कैडमियम निकल सेल, कैडमियम निकल सेल में क्या है, इसकी बनावट, ये एक कांच का क्या होता है, गोलाकार भाग होता है, जिसमें कैडमियम किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, और निकिल हाइड्रोक्साइड कैथोड की तरह काम करता है। इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में एक क्षारीय माध्यम भरा होता है। क्षारीय माध्यम क्या हो सकता है आपका, जैसे KOH, KOH एक क्षार है, तो इसीलिए ये क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है, क्लियर हुई बात। चलिए जल्दी से बनावट करके आगे लिखिए, यह कांच का बना एक गोलाकार खोल होता है, यह कांच का बना एक गोलाकार खोल होता है, यह कांच का बना एक गोलाकार खोल होता है, जिसमें कैडमियम का एनोड, जिसमें कैडमियम का एनोड तथा हाइड्रोक्साइड तथा निकिल हाइड्रोक्साइड का कैथोड होता है, तथा निकिल हाइड्रोक्साइड का कैथोड होता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, एनोड व कैथोड के बीच में, या एनोड व कैथोड के मध्य में, एनोड व कैथोड के मध्य में, एनोड व कैथोड के मध्य में क्षारीय माध्यम भरा होता है, एनोड व कैथोड के मध्य में क्षारीय माध्यम भरा होता है, एनोड व कैथोड के मध्य में क्षारीय माध्यम भरा होता है। अब जल्दी से इसकी बनावट मतलब डायग्राम बना लीजिए। जल्दी से ये डायग्राम बनाइए बेटा, कोई नया बच्चा अगर है क्लास में, नया बच्चा क्लास कोई कर रहा है, तो वो अपना नाम बता दे प्लीज।
अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो वो अपना नाम बता दें प्लीज, और जितने भी लोग हैं सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। बाकी बच्चे जल्दी से डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की बात करें, क्रियाविधि की। अकरम लेट हो गए, चलो पिछली क्लासेस से तो गायब ही चल रहे हो। अच्छा हरेंद्र है बेटा, चलिए हरेंद्र। और बच्चों को नहीं बताया क्या? और बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि बच्चे आपके साथ कोई आए नहीं है। शिवा काफी लेट है आप, चलिए जल्दी से डायग्राम बन जाए तो हमको बताइए कि यहाँ बन चुका, फिर हम आगे बढ़े। बताया है, चलिए कोई कोई बात नहीं, आया नहीं है कोई वैसे। चलिए डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। हरेंद्र ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, वैद्युत रसायन चल रहा है, इसका आज ये लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास से आपका जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग से सभी बच्चे क्लासेस करें, ऐसा उनको बच्चों को बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा क्रियाविधि की, तो हेडिंग डालिए क्रियाविधि। क्रियाविधि में हम क्या पढ़ते हैं? क्रियाविधि में वही पढ़ते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, ठीक है? तो हेडिंग डालिए बेटा क्रियाविधि। क्रियाविधि हेडिंग डालेंगे। क्रियाविधि में हम लोग इसकी दो तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लेड स्टोरेज बैटरी में पढ़ी थी, सीसा संचायक सेल में हम लोगों ने पढ़ी, उसी तरीके से हम इसकी दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? क्रियाविधि एक पहले पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग और दूसरा पढ़ेंगे चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में जो पढ़ेंगे उसी को होंगे तो वो चार्जिंग का हो जाएगा, ठीक है? डिस्चार्जिंग, 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 ठीक। डिस्चार्जिंग में देखिए क्या होता है बेटा, डिस्चार्जिंग में एनोड पर क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए डिस्चार्जिंग में एनोड पर होगा आपका क्या, एनोड है तो एनोड पर आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं कि क्या होगा, कैडमियम का बना है और एनोड पर होता क्या बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, तो सीडी टू प्लस में चला जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। अब वहां पर जो क्षारीय माध्यम भरा था, उस क्षारीय माध्यम के साथ में ये कैडमियम प्लस टू जो बना है, ये जो सी डी प्लस टू बना है, ये सी डी करेगा किसके साथ में, उस क्षारीय माध्यम के साथ में, दो ओ एच माइनस को लेगा, क्या लेगा, दो ओ एच माइनस के साथ में ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, सी डी ओ, कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या निकाल देगा, यहां से H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा, H2O। जैसे देखिए यहाँ पर बेटा दो हाइड्रोजन थे, दो ऑक्सीजन थे और कैडमियम पे प्लस टू चार्ज था, तो दो प्लस और दो माइनस, इसलिए ये तो हो गया न्यूट्रल। कैडमियम यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके कैडमियम ऑक्साइड बन गया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला करके एक H2O बन गया। तो ये हुई आपकी एनोड की रिएक्शन, और एनोड पर ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रही है उसको हम देखते हैं। देखिए ये सीडी टू प्लस से, तो ये सीडी टू प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ओवरऑल रिएक्शन एनोड की, देखिए क्या मिली, सीडी, सीडी प्लस टू ओ एच माइनस, और प्रोडक्ट साइड में क्या मिला हमको, सीडी ओ ओ प्लस एच टू ओ, और प्लस में क्या मिला बेटा, दो इलेक्ट्रॉन मिले, क्या मिले, दो इलेक्ट्रॉन मिले। ये है हमारी एनोड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, उम्मे हबीबा ने क्वेश्चन पूछा है 2OH कहां से आया, बेटा जो हमने कहा कि एनोड और कैथोड के बीच में क्षारीय माध्यम भरा है, तो क्षारीय माध्यम कोई भी क्षार बिना OH के कैसे पॉसिबल है, तो जो KOH था उसी में से जब ये KOH ब्रेक होगा तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, तो ये जो क्षारीय माध्यम था उसी OH की वजह से था, उसी में से ये OH निकल करके आया है,
क्लियर हो गई वो बात तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, कैथोड की बात करेंगे। किसकी? कैथोड की बात करेंगे कि कैथोड पर क्या होगा। तो देखिए बेटा कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपका क्या भरा था, कैथोड पर आपका भरा था क्या, निकिल हाइड्रोक्साइड। क्या भरा था? निकिल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर NiOH का होल थ्राइस था, NiOH का होल थ्राइस था। अब ये कितना, यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये निकिल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, इसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होकर के ये बनाएगा 2NiOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? 2NiOH का होल ट्वाइस। और यहां से देखिए होल थ्राइस था, होल ट्वाइस यहां पर बचा, तो यहां पर भी 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर बचा क्या आपका, एक ओ एच माइनस बचा। क्या बचा? एक ओ एच माइनस बचा। तो यहां पर निकल जाएगा क्या, OH माइनस। एक बचेगा बेटा कि दो बचेंगे, देखिए यहाँ पर कितने थे, 6 थे, और यहाँ पर कितने हुए, 4 हुए, 2 2 या 4। तो यहाँ पर बचेंगे 2OH माइनस। कितने OH माइनस बचेंगे, 2OH माइनस बच जाएंगे। ये आपकी कैथोड पर रिएक्शन होगी। अब चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, पूर्ण अभिक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पूर्ण अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए पूर्ण अभिक्रिया में क्या करना होता है हमें बेटा, एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रिया को जोड़ करके लिखना होता है। तो पूर्ण अभिक्रिया किस तरीके की होगी, देखिए यहाँ पर इसको और इसको तो जोड़ना है, एनोड की पूर्ण अभिक्रिया ये है और कैथोड की ये है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ कट सकती है, कट जाएगा बेटा आपका 2OH- से 2OH- कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो सबको जोड़ के लिखिए बेटा, यहां पर बचा आपका CD प्लस में NiOH का होल थ्राइज, यहां हमें मिला CDO प्लस H2O प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस, 2NiOH का होल ट्वाइस। क्या मिला? 2NiOH का होल ट्वाइस मिला। ठीक, क्लियर हुआ सबको, रिएक्शन पूरी तरीके से दिख पा रही है? हाँ दिख रही है सबको, ठीक है। तो पूर्ण अभिक्रिया हमको ये मिलेगी बेटा। ये किसके केस में था, ये डिस्चार्जिंग के केस में था। अभी अब हम उल्टा पढ़ेंगे इसका, चार्जिंग के केस में। तो चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा, एनोड की अभिक्रिया उलट जाएगी, इधर से इधर चलने लगेगी, और कैथोड की अभिक्रिया उलट जाएगी और पूर्ण अभिक्रिया भी उलट जाएगी। बताइए इतना सबको क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? अगर सबको क्लियर हो गया तो जल्दी से नोट करिए, तब फिर हम चार्जिंग की बात करें बेटा। जल्दी से एक कमेंट बता दीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्लियर हो गया तो बता दीजिए, और इसको जल्दी से नोट करिए, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर, जल्दी से नोट करिए। उम्मे हबीबा ने भी बताया कि यस सर क्लियर हो गई बात, OH माइनस कहां से आया। चलिए नोट करिए जल्दी से बेटा। जल्दी से नोट करिए, नोट। चलिए वेरी गुड, नोट हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर डिस्चार्जिंग के साथ ये था, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग। चार्जिंग में एनोड की फुल रिएक्शन, ये हम कुछ करेंगे नहीं, बस एक चीज आपको जो बता चुके हैं आप, जिस चीज को समझ चुके हैं, और इसमें हमें कुछ अब समझाना नहीं आपको। देखिए चार्जिंग के टाइम पर क्या होगा, इसमें चार्जिंग के टाइम पर क्या होगा, देखिए चार्जिंग के टाइम पर उल्टी रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होगा, इसकी उल्टी रिएक्शन होगी।
मतलब जो रिएक्शन CD प्लस 2OH माइनस मिलकर के CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग के टाइम पर दे रहा था, अब उसमें क्या हो जाएगा चार्जिंग के टाइम पर, CDO प्लस 2 प्लस CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या देंगे, CD प्लस 2OH माइनस। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, मिलेगा बेटा CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या देंगे मिलकर के, ये हमको देंगे CD प्लस कैडमियम प्लस H2O माइनस, CD प्लस 2OH माइनस। बताइए एनोड की रिएक्शन क्लियर है आपको। अब इसी तरीके से क्या होगा, कैथोड की रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, कैथोड की रिएक्शन पर क्या होगा बेटा, देखिए कैथोड में ये रिएक्शन थी, अब ये उलट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2NiOH, ये हो जाएगा आपका 2NiOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या है आपके पास 2OH माइनस, क्या है 2OH माइनस, क्या दे रहा है ये देगा 2NiOH का होल थ्राइस, 2NiOH का होल थ्राइस, 2NiOH का होल थ्राइस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, अब हम इसकी क्या लिखेंगे, पूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्ण अभिक्रिया। तो देखिए पूर्ण अभिक्रिया में क्या हो, पूर्ण अभिक्रिया, देखिए पूर्ण अभिक्रिया में जो जो चीजें कटती हैं उसको काट ले, वैसे तो आपको पता है कि इसका उल्टा कर देंगे तो पूर्ण अभिक्रिया मिलेगी, लेकिन यहां जब लिखा है तो इसको काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा। ठीक है, बचा हुआ लिख लीजिए आप, बचा क्या बेटा आपका, बचा है CDO प्लस H2O प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस, और क्या प्रोडक्ट साइड में बचा, CD प्लस 2NiOH का होल थ्राइस, यही बचा। अब देखिए इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन ये लिखी है कि नहीं लिखी है, क्लियर है ना एकदम सबको बेटा, क्लियर है, जल्दी से बताइए, अगर क्लियर है तो नोट करिए जल्दी से। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि सर हमको ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग ये सब क्या होता है, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, कब होती हैं, समझ में नहीं आती हैं। मुझे लगता है बेटा आपको, हाँ शाह आलम आ गए हैं, चलिए अच्छी बात है, दिखाई दे रहा हमको, चलिए छाप लीजिए जल्दी से, अगर क्लियर हो गया छाप लीजिए। देखिए मुझे नहीं लगता आपको किसी भी सेल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप ये याद रखें कि किसका एनोड बना था, किसका कैथोड बना था। एनोड और कैथोड को अगर आप याद रखेंगे तो एनोड पर जिसका एनोड बना था उसी से रिलेटेड तो कोई रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पे जिसका कैथोड बना था उसी से रिलेटेड तो कोई रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को याद नहीं रखना आपको, सिंपली ये याद रखना है कि किस सेल में किसका एनोड बना होता है, किस सेल में किसका कैथोड बना होता है। अब जैसे ये सेल हम पढ़ रहे थे, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, तो इसी सेल में इसका नाम था निकिल कैडमियम सेल, क्या नाम था, निकिल कैडमियम सेल, इसका मतलब निकिल का भी कुछ यूज होगा, कैडमियम का भी कुछ यूज होगा। अब आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि निकिल हाइड्रोक्साइड का कैथोड होता है और कैडमियम का एनोड होता है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिव नेचर का होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको लोन से याद रखने का तरीका बताया था, बस उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, उसका रिडक्शन कैथोड पर करा दीजिए, क्षारीय माध्यम भरा था तो क्षारीय माध्यम का यूज कर लीजिए, इतना तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। फिर क्या करिए, दोनों रिएक्शन को लिखिए, और लिखने के बाद दोनों को जो कट रहा उसको काट दीजिए और पूर्ण अभिक्रिया को लिख दीजिए, बस आपका आंसर क्लियर हो गया। बताइए जो भी सेल्स हम लोगों ने पढ़े वो सारे सेल्स सभी बच्चों को एकदम क्लियर क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, किसी सेल में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है बेटा संक्षारण, क्या बचता है संक्षारण, ये नोट हो गया होगा, चलिए नोट कर लीजिए बेटा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं। हरेंद्र बेटा आपको समझ में आ रहा है, और शाह आलम आप भी आ गए हैं, आप भी बताइए आपको समझ में आ रहा है। वैसे आपको समझ में कम आ रहा होगा तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम चैप्टर का लास्ट लेक्चर चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है, तो
तो इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए समझने में, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। नया चैप्टर समझ में आएगा, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे बेटा संक्षारण की। किसकी बात करेंगे? संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कोरोजन। क्या बोलेंगे? कोरोजन। और लोग इसको जो है कहते हैं जंग लगना, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। बेटा लोहे पर जंग लगना कोरोजन नहीं होता है, लोहे पर जंग लगना कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? कोरोजन का उदाहरण होता है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो आइए समझते हैं कि कोरोजन या संक्षारण क्या होता है। तो आप देखिए, जैसे कि प्रकृति में, नेचर में बहुत सारी ऐसी धातुएं पाई जाती हैं, धातुओं के कार्बोनेट, धातुओं के ऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फेट, ये सब लवण होते हैं। इनका निर्माण करके धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। देखिए फिर से एक बार बताएं, प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट, ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि का फॉर्मेशन करके नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, तो इस क्रिया को संक्षारण बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको? संक्षारण क्या होगा कि प्रकृति में जो धातु होती है वो क्या करती है, धातु के कार्बोनेट, धातु के सल्फेट, धातु के नाइट्रेट, धातु के ऑक्साइड बनाती हैं और उससे धीरे धीरे करके क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्या हुआ बेटा, आवाज चली गई? आवाज नहीं आ रही है? कमेंट करिए आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है? बाकी के बच्चे बता दीजिए। बेटा आवाज आ रही हमारी? आ रही है? अभी वह बेटा चेक करिए, देखिए हम बच्चे बता रहे हैं आवाज आ रही है। अच्छा आ गई। देखिए तो हमने क्या बताया, संक्षारण, हमने क्या बताया, संक्षारण। संक्षारण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी अभिक्रिया या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो धातुएं होती हैं, धातुएं अपनी सतह पर क्या करती हैं, अपनी सतह पर क्या करती हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट, धातु के नाइट्रेट या धातु के सल्फेट बनाती हैं और धातु के ऑक्साइड, धातु के सल्फेट, धातु के नाइट्रेट या धातु के कार्बोनेट जो उसकी सतह पर बनते हैं, उस सतह को धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, कमजोर करने लगते हैं और धीरे धीरे करके धातु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, इसी अभिक्रिया को या इसी क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा कि लाइव एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंक लगता है, लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंक लगता है और जो जंक लगता है उस जंक की वजह से लोहा धीरे धीरे करके गल के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, गल के हो जाता है। तो ये क्रिया या ये जो है एक उदाहरण है किसका, संक्षारण का। अब ये जो संक्षारण होता है बेटा, संक्षारण दो तरीके का हो सकता है और विद्युत रासायनिक संक्षारण हो सकता है, रासायनिक संक्षारण और विद्युत रासायनिक संक्षारण हो सकता है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो लोहे पर जंक लगती है, लोहे पर जंक लगना रासायनिक संक्षारण है या विद्युत रासायनिक संक्षारण है? तो याद रखिएगा विद्युत रासायनिक संक्षारण है। अभी हम लोग उस पर आते हैं, उस पर बात करेंगे लोहे पर जंक कैसे लगती है और उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं कि लोहे पर जंक ना लगे। ज्यादातर आप लोग जानते हैं, क्लास 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, थोड़ी सी चीजें बढ़ा करके आपको बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो चलिए संक्षारण आपको समझ में आ गया, संक्षारण डैश करके लिखिए संक्षारण के आगे। प्रकृति में
प्रकृति में जब धातुएं प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट धातुएं कार्बोनेट प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट हाँ यह संलेपन पेंट करके ईटीसी सही बता रही हूँ मैं हबीबा बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है क्या लिखा आपने प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट कॉमा ऑक्साइड कॉमा नाइट्रेट कॉमा सल्फेट आदि लवणों का निर्माण करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। हो गया बेटा नीचे दो प्रकार का होता है संक्षारण दो प्रकार का होता है। संक्षारण दो प्रकार का होता है। नंबर एक लिखिए रासायनिक संक्षारण संक्षारण विद्युत रासायनिक संक्षारण विद्युत रासायनिक संक्षारण। ठीक है अब उदाहरण करके लिखिए उदाहरण लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना। अब समझिए बेटा लोहे में जंग कैसे लगता है। देखिए लोहे में जंग लगना जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि एक विद्युत अनेक संचार क्या है विद्युत रासायनिक में होता क्या है विद्युत रासायनिक संक्षारण में जो आपका लोहा है वो लोहा क्या करता है सबसे पहले जल के अचायनों के कारण आयरन जो होता है Fe है Fe का ऑक्सीकरण हो जाता है। किसमें होगा ऑक्सीकरण Fe2+ में। किसमें होगा बेटा Fe2+ में। तो आयरन जो होता है सर्वप्रथम जल के H+ के साथ है Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीकरण के बाद आता है वो ये ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा तो हमको दिमाग लगा करके बताइए अगर ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किस पर हो रहा होगा एनोड पर या कैथोड पर। कमेंट करिए जल्दी से आंसर बताइए ऑक्सीकरण एनोड पर होगा कि कैथोड पर होगा क्योंकि एक जो है विद्युत रासायनिक समीकरण विद्युत रासायनिक क्या है संक्षारण है तो विद्युत रासायनिक संक्षारण की वजह से ये एक शैल अभिक्रिया की तरह हो जाएगा। तो अगर एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है आयरन का ऑक्सीकरण जल के H+ है तो ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण किस उसमें होता है एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है करिए जल्दी से बच्चों का आंसर आया एनोड पर। तबस्सुम का आंसर एनोड पर सजरुन का आंसर एनोड पर बिल्कुल सही आंसर है बेटा ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड पर होगा। चलिए सिमरन का आंसर सीवा का आंसर भी एनोड पर आया तो बिल्कुल किस पर होगा एनोड पर होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होने के बाद जो भी चीजें एनोड पर बनेंगी एनोड पर बनेगा क्या बेटा बनेगा क्या Fe2+ बनेगा और ऑक्सीकरण हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जो ऑक्सीकरण होकर के Fe2+ बनता है उससे क्या होता है एनोड से जो भी इलेक्ट्रॉन है
फिर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, और वो अपचयन कहाँ होगा अब आपका, अपचयन कहाँ होगा आपका, अब अपचयन बेटा कहाँ होगा, कैथोड पर होगा, कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। हाँ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं कैथोड पर होगा, अपचयन कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। और फिर कैथोड की अभिक्रिया, कैथोड पर क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है और उस पर अपचयन हो जाता है। किसका अपचयन होता है बेटा, ऑक्सीजन का अपचयन होता है, ठीक। फिर दोनों अभिक्रियाओं के आधार पर अगर हम देखें तो जो जंक लगना, एनोड पर रिएक्शन हो रही है, दूसरी कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, तो जो एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है उन पे हम क्या करेंगे, एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो हमको पूर्ण सेल अभिक्रिया मिल जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर एक हमको पूर्ण अभिक्रिया मिलेगी जो जंक लगने का कारण होगी, क्या होगी, जंक लगने का कारण होगी, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, इसका थीम समझ में आया कि क्या है जंक लगने का। जंक लगना हमने आपको बताया एक विद्युत रासायनिक संचारण है, जल्दी करके बताते हैं आपको फिर नोट कराते हैं। जंक लगना एक विद्युत रासायनिक संचारण है, इस विद्युत रासायनिक संचारण में सर्वप्रथम क्या होता है, जो आयरन होता है Fe, वो जल के H+ है और ऑक्सीकृत होकर के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन फिर किसके किसको अपचयित करते हैं, ऑक्सीजन को अपचयित करते हैं, कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया कराते हैं। तो जो कैथोड पर और जो एनोड पर अभिक्रियाएं हुई, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ लेते हैं तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हमको मिल जाती है, और ये जो अभिक्रिया होती है यही जो है जंक लगने की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जंक कैसे लगती है वो भी चीज आएगी। इतना क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, फिर हम आपको नोट कराते हैं सारी रिएक्शंस, सारी थ्योरी पूरी नोट कराते हैं आपको, क्योंकि संचारण पर आपका क्वेश्चन अच्छा और संचारण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कमेंट करिए जल्दी से बेटा, समझ में आ गया। क्लियर है, चलिए बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चे बताएं जल्दी से। क्लियर, चलिए चलिए बेटा, चलिए जल्दी से करिए, नोट करना शुरू करिए। लोहे में जंक लगना, लोहे पर जंक लगना, आपने ये हेडिंग डाली, लेस करके लिखिए बेटा, लिखिए, लोहे में जंक का निर्माण, लोहे में जंक का निर्माण। हाँ बेटा क्लास 10th में था, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, क्लास 10th में था। ये क्या लिखा आपने, लोहे पर जंक लगना, फिर उसके बाद डैश करके लिखा आपने, लोहे में जंक का निर्माण एक विद्युत रासायनिक संचारण है, जंक का निर्माण विद्युत रासायनिक संचारण है, विद्युत रासायनिक संचारण है, अर्थात लोहे में जंक लगना, अर्थात लोहे में जंक लगना, अर्थात एक सेल अभिक्रिया होती है, अर्थात लोहे में जंक लगना एक सेल अभिक्रिया होती है, अर्थात जंक लगना एक सेल अभिक्रिया होती है, अर्थात लोहे में जंक लगना एक सेल अभिक्रिया होती है। क्लियर, चलिए एक सेल अभिक्रिया होती है। उसके बाद नीचे नई लाइन से लिखिए क्या होता है इसमें, भाई हमने बताया ना कि सर्वप्रथम है जल का अच्छा करता है, ऑक्सीकरण करता है और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ऑक्सीजन को अपचयित करते हैं कैथोड पर जाकर के, ठीक। अभी स्टेप बाय लिखते हैं, तो नीचे नई लाइन से लिखिए, सर्वप्रथम लोहे, सर्वप्रथम लोहे में जल के H+ आयनों के कारण, जल के
सर्वप्रथम लोहे में जल के एच प्लस आयनों के कारण पानी एच प्लस आयनों के कारण आयरन का आइएगा आयरन टू प्लस एफी का एफी टू प्लस पूरा रिपीट कर रहे हैं हम आपका। क्या बोला हमने? लोहे में जंक का निर्माण एक विद्युत रासायनिक संक्षारण होता है, अर्थात लोहे में जंक लगना एक शैल अभिक्रिया होती है। उसके बाद नई लाइन से लिखा, सर्वप्रथम लोहे में जल के एच प्लस आयनों के कारण एफी का एफी टू प्लस में ऑक्सीकरण हो जाता है। एफी का एफी टू प्लस में ऑक्सीकरण हो जाता है। यह अभिक्रिया एनोड पर होती 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 है। और एनोड पर क्या होता है? हमने कहा कि आयरन जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Fe प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है। अब बता, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता? जल्दी से जल्दी से, प्लस दो चार्ज है बेटा, तो दो ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता। अब दो इलेक्ट्रॉन Fe टू प्लस में जा रहे हैं, दो Fe Fe टू प्लस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फोर इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हम बताएंगे कि ये टू क्यों लिया गया, एफ प्लस में क्यों नहीं गया खाली, वो भी हम बताएंगे अभी आपको कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, यहां पर निकलेंगे फोर इलेक्ट्रॉन, इतना क्लियर है। चलिए अब नीचे नई लाइन से लिखिए, हमने बताया ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसका आप चयन करेंगे? ऑक्सीजन का आप चयन करेंगे। किसका आप चयन करेंगे? ऑक्सीजन का आप चयन करेंगे। तो नीचे नई लाइन से लिखिए, एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, और यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है। और यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है। और यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है। क्लियर है ना बेटा एकदम? और यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है। चलिए देखिए कैथोड पर क्या होगा। अब आपका कैथोड पर लिखते हैं, कैथोड कैथोड पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे, अपचयन करेंगे। ठीक, और यहां पर फोर एच प्लस भी हम लोग लेंगे, फोर एच प्लस लेंगे। ठीक, फोर एच प्लस लेकर के इसको हम क्या बना देंगे? टू एच टू ओ बना देंगे। क्या बना देंगे? टू एच टू ओ। देखिए, दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन और चार इलेक्ट्रॉन ने चार एच प्लस को क्या किया? न्यूट्रल किया। प्लस चार है, प्लस इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या है? माइनस भी चार है, तो चारों मिलके चार इलेक्ट्रॉन चार प्लस को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये बचेगा आपका टू एच टू ओ। अब जो हम बता रहे थे कि चार इलेक्ट्रॉन, ये टू एफ ही क्यों लिया, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन ही बनाना क्यों जरूरी था बेटा? तो चार इसीलिए बनाना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर दो एच टू ओ बनना था। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है आपका ओ टू के फॉर्म में ले सकते हैं, इसीलिए जब ओ टू के फॉर्म में लेंगे तो यहाँ दो एच टू ओ बनेंगे, और दो एच टू ओ बनेंगे तो हाइड्रोजन की जरूरत, चार चार हाइड्रोजन की पड़ेगी, और चार हाइड्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर दो एफ ही लिया जाता है जिससे हमें चार इलेक्ट्रॉन मिल सके। बात क्लियर है एकदम? बात क्लियर है ना? हाँ क्लियर है एकदम। ठीक, एकदम क्लियर है। चलिए, ये थी आपकी किसकी अभिक्रिया? कैथोड पर ये हो रही थी अभिक्रिया। क्लियर हुआ? अब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा? पूर्ण शैल अभिक्रिया मिल जाएगी। क्या मिल अभिक्रिया क्या मिलेगी? अभी आप पूर्ण शैल अभिक्रिया को नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद कुछ नोट कराएंगे तब आप लिखिएगा पूर्ण शैल अभिक्रिया। क्या होगा बेटा पूर्ण शैल अभिक्रिया में? ये चार इलेक्ट्रॉन से
कट जाएगा, ठीक है। और तो कुछ कटने से रहा तो बना आपका, यहां लिख लीजिए पूर्ण अभिक्रिया, क्रिया पूर्ण अभिक्रिया क्या हो रहा है बेटा, देखिए 2Fe है प्लस में क्या है O2 है, प्लस में क्या है 4H+ है, और ये मिल करके क्या बना रहे हैं बेटा, ये बना रहे हैं 2Fe+2 बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं 2H2O बना रहे हैं। तो ये जो हो गया आपका पूर्ण अभिक्रिया हो गई, पर हो रही थी, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्साइल अभिक्रिया मिल जाएगी। तो जल्दी से आप नीचे से नोट करना, नीचे नई लाइन से नोट करना शुरू करिए, लिखिए उपरोक्त तो दोनों क्रियाओं के आधार पर, उपरोक्त तो दोनों क्रियाओं के आधार पर, अभी इसको लिखेंगे उपरोक्त तो दोनों क्रियाओं के आधार पर, ये लिख ली होगी ना कैथोड वाली, फिर उसके बाद लिखिए नीचे हम जो बोल रहे हैं लोहे में जंक लगना, लोहे में जंक लगना एक सेल अभिक्रिया होता है, लोहे में जंक लगना एक सेल अभिक्रिया होता है, नीचे लिख लीजिएगा पूर्ण अभिक्रिया करके, पूर्ण अभिक्रिया आपकी ये आ जाएगी, ठीक। अभी जंक लगी नहीं है क्योंकि जंक का फार्मूला नहीं मिला है, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा बचा है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, बहुत थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, 9 मिनट अभी हमारे पास है, इसको हटाएं, लिख लिया होगा। चलिए अब देखिए होता क्या है बेटा, जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है, इस पूर्ण सेल अभिक्रिया में हमें जो ऐसा है ये Fe2+ जो मिला है, ये Fe2+ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और Fe3+ आयन में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है Fe3+ आयन में कन्वर्ट होता है। अब बताइए हमको बेटा, जल्दी से आंसर करिए, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, यह ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, जल्दी से कमेंट करिए, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, यह ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, कौन आंसर सबसे पहले बताएगा, कौन आंसर सबसे पहले बताएगा Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, यह ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। उम्मे हबीबा का आंसर आ चुका है ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण ही तो होगा, 10th में पढ़ा है ना बच्चों, सभी ने पढ़ा है। चलिए तो होगा क्या, जो Fe2+ आपका बना है पूर्ण सेल अभिक्रिया में, ये Fe2+ किस क्या करेगा, ये Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और एक किसका निर्माण करेगा, लाल भूरे रंग के पाउडर का निर्माण करेगा, जो लाल भूरे रंग का पाउडर है उसी को हम लोग जंक बोलते हैं, जैसा आपने देखा नहीं है लाल भूरे रंग का ब्राउनिश कलर का क्या होता है, जंक का कलर क्या होता है, लाल भूरे भूरे रंग का होता है, उसी को हम लोग जंक बोलते हैं। जंक का क्या फार्मूला होगा अभी हम उसकी बात करते हैं, तो देख लेते हैं, जो Fe2+ बना है यहां हमने ले लिया 4Fe2+, ये 4Fe2+ जो है क्या करेगा XH2O के साथ, ऑक्सीजन के साथ बोला था ना हमने, तो ऑक्सीजन के साथ, तीन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर जो H2O है जब नमी मिलेगी उसे तभी तो क्या होगा, जब नमी मिलेगी तभी तो आयरन पर जंक लगता है, तो XH2O का मतलब बेटा कि यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट हो सकता है, क्या हो सकता है वेरिएबल अमाउंट, मतलब पानी कम ज्यादा वो हो सकता है, ठीक है। तो बनेगा क्या बेटा आपका, ये बनेगा Fe2O3 XH2O, और ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखो बेटा कितना हुआ 3 2 6 ऑक्सीजन और 2 2 4 4 आयरन, ठीक। तो ये बना आपका 2 Fe2O3 XH2O, ये लाल भूरे रंग का पाउडर है, क्या है लाल भूरे रंग का पाउडर है, लाल भूरा पाउडर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं
जंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, जंक बोलेंगे, ठीक है, जंक, क्लियर। चलिए जल्दी से नोट करिए, लोहे में पूर्ण शैल क्रिया से बने, नीचे नई लाइन से लिखेंगे, लोहे में पूर्ण शैल क्रिया से बने, लोहे पूर्ण शैल क्रिया से बने Fe2+ आयन का ऑक्सीकरण, Fe2+ आयन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इंग्लिश में तो उसको जंक लिखा जाता है, JUNK, जंक। अब इंग्लिश में, हिंदी में आप उसको जंग लिखेंगे तो जंग लिख सकते हैं, लेकिन वैसे तो मेरे हिसाब से जंक होना चाहिए, जंक, ठीक है। जंग का मतलब हिंदी में दूसरा हो जाएगा, लड़ाई से हो जाएगा, ठीक है, जब जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा, लोहे में पूर्ण शैल क्रिया से बने Fe2+ आयन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe3+ में ऑक्सीकरण हो जाता है, में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे जिससे लाल भूरा पाउडर, या जिससे लाल भूरे पाउडर का निर्माण होता है, जिससे लाल भूरे पाउडर का निर्माण होता है, और यही लाल भूरे रंग का पाउडर, भूरे रंग का पाउडर जंक होता है। अब मतलब आपसे पूछा जाए कि जंक का फार्मूला क्या है, तो जंक का फार्मूला आपका यही होगा, ठीक है, Fe2O3.XH2, ठीक। चलिए इतना हो गया, रिएक्शन को जल्दी से छापिए। छाप लीजिए जल्दी से। अब नीचे अगली हेडिंग डालिए, लोहे को जंक से बचाने के उपाय। जल्दी से, ये उपाय हम नहीं बताएंगे आपको, आप लोग बताएंगे, उपाय आप लोग बताएंगे कैसे बचाना है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो है, आप उस पर पेंट कर दीजिए, आपको जंग बचाना है तो पेंट कर दीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा घरों वगैरह में लोहे के अगर विंडोज आते हैं तो उस पर तुरंत पहले पेंट किया जाता है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरे मेटल्स का लेप लगा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर परत चढ़ा सकते हैं दूसरे मेटल्स की, ठीक है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील है उन मेटल्स की परत चढ़ा सकते हैं, ठीक। जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हबीबा बता रही, ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर, तेल लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीजिंग ऑयलिंग ये लगा सकते हैं, ठीक है। जिंक की लेयर को चढ़ाना गैल्वनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए जल्दी, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए अधिक क्रियाशील धातु का लेप किया जाता है, 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 क्रियाशील धातु का लेप किया जाता है। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, जैसे अधिक क्रियाशील धातु कहां से पता चलेगी बेटा,
विद्युत रासायनिक श्रेणी जो पढ़ी थी हमने, उसमें आयरन से ऊपर जो भी मेटल्स आते हैं, जो भी धातुएं आती हैं, वो अधिक्रियाशील होंगी। ठीक है, क्या लिखा आपने? जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक 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 कॉमा एल्युमिनियम कॉमा टिन धातु का लेप किया जाता है, धातु का लेप किया जाता है, धातु का लेप किया जाता है। दूसरा लिख लीजिए कि लोहे की सतह पर ग्रीस लगाया जाता है, लोहे की सतह पर पेंट किया जाता है, और नीचे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, लोहे की सतह पर जिंक का लेप करना गैल्वनीकरण कहलाता है। लोहे की सतह पर जिंक का लेप लगाना गैल्वनीकरण कहलाता है। लोहे की सतह पर जिंक का लेप लगाना गैल्वनीकरण कहलाता है। क्लियर? चलिए बेटा, ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हम पूरी चीजें कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑल अबाउट। मिट्टी के तेल में रख सकते हैं? नहीं बेटा, मिट्टी का तेल इससे कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी के तेल में क्यों रखेंगे? मिट्टी के तेल में नहीं रख सकते उसको, रखने के लिए रखेंगे तो मिट्टी के तेल में तो उसको नमी मिलेगी, जंक लगेगी उसमें। ठीक है, तारपीन आयल आता है, तारपीन आयल जो पेंट में मिला करके लगाया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, इस चैप्टर में सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके धीरे धीरे करके। इस चैप्टर में हमारे हिसाब से और हमने देखा सिलेबस के हिसाब से कुछ भी आपका नहीं बचा है। ये हम पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उम्मे हबीबा बोल रही है मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं। हाँ बेटा, मिट्टी के तेल में सोडियम को इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम की अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, सोडियम जलना शुरू कर देता है, इसकी वजह से सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्लियर? ठीक, और अब हम लोग तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी पढ़ेंगे। उसका पहला लेक्चर आपका टीटीएस में जो क्लास चल रही है वही चलेगी आपकी, 3 बजे से क्लास रहेगी टीटीएस। मतलब आप ट्यूजडे की क्लास आज हो गई तो थर्सडे में आपकी क्लास रहेगी 3 बजे से। ठीक, बाकी कोई चेंजिंग होगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी हरेंद्र बेटा आप हैं इस टाइम? शाह आलम, अच्छा आप हैं बेटा। शाह आलम आपको समझ में आ रहा था? हरेंद्र आपको समझ में आ रहा था? जल्दी से बताइए। बाकी बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है पूरे चैप्टर में? किसी को कुछ पूछना है? किसी प्रॉब्लम? अच्छा, समझ में आ रहा है, चलिए, वेरी गुड बेटा, समझ में आएगा। अभी हम लोग नया चैप्टर जब स्टार्टिंग तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर काफी कुछ पढ़ा जा चुका था, लास्ट लेक्चर था, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी समझने में कहीं वैसे आपको प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं, और आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। आप कॉपी के बैठिएगा, नेक्स्ट चैप्टर से आप नोट्स बनाइएगा। जो दो चैप्टर आपके छूटे हैं उन दोनों चैप्टर की वीडियोज आपके उस पर चैनल पर पड़े हुए हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे, जिसमें एक ही लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेजेंगे, उसमें सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन आपका काम यही है बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए जिससे कि ज्यादा से जान सकें। ठीक है, जहां से पढ़ाया है वहां से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बस आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहिएगा, और एक काम बस इतना सा कर दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये पिछले क्लासेस से रिलेटेड था। हाँ बेटा, तो आपने पिछली वीडियो वगैरह देखी होंगी, तो हाँ, पिछले क्लासेस मतलब 10th से रिलेटेड। हाँ, ये जो संचारण था ये तो 10th से रिलेटेड था, लेकिन निकिल कैडमियम सेल पहली बार था।
ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, रासायनिक बलगतिकी पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। घर पे रह करके थोड़ी सी पढ़ाई करते रहिए।